हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गुल्स स्टडी स्टडी विद गुलशा, जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस हम लेकर आते हैं। आज का लेक्चर है व्हाट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स इसमें यूज होते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे डिटेल में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, हमारी हर एक वीडियो को आप देखते रहिए, चैनल को इसी तरह शेयर करते रहिए दूसरे लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए। कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल फॉर कन्वीनियंस ऑफ देयर स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो जहां पर हमारी फाइल्स को स्टोरेज किया जाता है, जहां से हम उनको रिट्रीव करते हैं, उस पूरे काम को जो एक सिस्टम ऑर्गेनाइज करेगा, उसको जो एक सिस्टम हैंडल कर रहा है, उसको हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बोल देते हैं। सिस्टम डिजाइनर्स चूज टू ऑर्गेनाइज एक्सेस एंड प्रोसेस रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस फाइल्स इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन टाइप्स यूजर नीड। तो क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर में हमने अपने डेटा स्टोर किया हुआ है, हम उसको रिट्रीव कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो सारे ऑपरेशन जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिस प्रोग्राम के थ्रू उनको हैंडल किया जा रहा है, उनको उन चीजों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसको हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बोल देते हैं। तो कंप्यूटर में बेसिकली थ्री टाइप्स के फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का यूज होता है, जिसमें है सिक्वेंशियल, डायरेक्ट एंड इंडेक्स सिक्वेंशियल। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्वेंशियल फाइल की। क्या सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? अ फाइल स्टोर इट्स रिकॉर्ड्स वन आफ्टर अनदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर की फील्ड वैल्यूज। तो होता क्या है कि सिक्वेंशियल फाइल को स्टोर करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी हमारा डेटा है, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सिक्वेंसली स्टोर हो रहा है, कि अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली हम उसको सीक्वेंस में कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आ जाएगा। या पहले अगर स्टूडेंट के नेम से हम उसको सीक्वेंस कर रहे हैं, तो पहले ए वाले बच्चे आएंगे, फिर बी वाले नेम के, फिर सी वाले नेम के, फिर डी वाले नेम के, देन ई, तो इसी तरह से सोन। या फिर हम न्यूमेरिकल, अगर हम रोल नंबर से बात करें, तो पहले सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या एंड मोर, तो ये सारे रोल नंबर वाइज या एम्प्लॉय कोड से या किसी भी एक फील्ड के थ्रू हम उसको सीक्वेंस कर देते हैं, वो चाहे हम असेंडिंग ऑर्डर में करें या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, तो हम उसको सीक्वेंस वाइज स्टोर करके रखते हैं। उससे क्या होता है कि हम इजीली तो सर्च कर सकते हैं, इजीली हम उसको अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे हमारा सीक्वेंसली रोल नंबर से स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर है, हमें 10 रोल नंबर पे जाना है, तो हम डायरेक्टली 10 पे ही जाके उसको अपडेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, 10 रोल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा सीक्वेंशियल फाइल में। अब एडवांटेजेस देखें अगर हम सीक्वेंशियल फाइल की, दे आर सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज, सिंपल है, सीक्वेंस वाइज यूज है, हम कहीं से भी, हमें रोल नंबर या कोई भी नेम वगैरह पता होना चाहिए। मान लीजिए हमारे रोल नेम से अगर हमारे स्टोर है और हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, नेम वाइज हमने उनको सीक्वेंस किया हुआ है, तो हमें पता है कि बच्चे का नाम एम से शुरू होता है, तो हम डायरेक्टली एम वाले पे जाके ही सर्च करेंगे कि उस स्टूडेंट को, ठीक है। अगर हम रोल नंबर वाइज है, हमारे स्कूल में जो है 500 बच्चे हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं, और रोल नंबर हमें पता है उसका 262 है या 341 है, इस तरह से कोई भी रोल नंबर है, तो हम वहीं पे जाके सर्च करेंगे उसी रोल नंबर को, ठीक है, अगर हमारा सीक्वेंस वाइज होगा। लेकिन अगर हमारा ऑर्गेनाइज नहीं है या अनसिंक्रोनस फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर है, तो हमें सारे में सर्च करना पड़ेगा ये वाला रोल नंबर कहाँ पर है, अगर हमने सीक्वेंस में स्टोर नहीं किया। लेकिन अगर हमने सीक्वेंस में स्टोर किया, तो हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली उसको यूज कर सकते हैं, इजीली मेंटेन कर सकते हैं, देन ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव इनपुट आउटपुट मीडिया डिवाइसेस फॉर देयर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। तो ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव भी होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर की इसमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि सिक्वेंशियल का ऑप्शन तो हमें एक्सेल में भी मिल जाता है, बेसिकली एक्सेस में भी मिल जाता है, तो सारे सॉफ्टवेयर ही सिक्वेंस करने का और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करने का तो ऑप्शन देते हैं, तो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। इनएक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, नॉर्मल सॉफ्टवेयर में हमें ये ऑप्शन मिल जाता है।
अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें सिक्वेंशियल फाइल के डिसएडवांटेजेस, सो दे आर इनएफिशिएंट एंड अनइकोनॉमिकल टू यूज फॉर एप्लीकेशन इन विच एक्टिविटी रेशियो इज लो। तो जहां पे एक्टिविटी रेशियो इज लो है, किसी भी सॉफ्टवेयर का एक्टिविटी रेशियो अगर लो है, तो हम वहां पर हमें सिक्वेंशियल फाइल को स्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दे यूज इज लिमिटेड टू बैच प्रोसेसिंग एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द नीड टू एक्युमुलेट ट्रांजेक्शन इन बैचेस। तो बेसिकली बैच प्रोसेसिंग में ये मैच नहीं करता। एक्यूमुलेटिंग ट्रांजेक्शन इन बैच कीप्स एक्टिविटी रेशियो हाई ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, क्योंकि बैच प्रोसेसिंग में एक्टिविटी रेशियो हाई चाहिए, जबकि इन सॉफ्टवेयर का एक्टिविटी रेशियो लो होता है। तो ये इस तरह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है सिक्वेंशियल डेटा को स्टोर करने में। अदरवाइज सिक्वेंशियल डेटा स्टोर करना बहुत ईजी होता है, ठीक भी रहता है। दूसरी बात करें तो डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट या रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर सच एन एप्लीकेशन बिकॉज द एप्लीकेशन कैन डायरेक्टली लोकेट एंड रिकॉर्ड्स बाय इट्स की फील्ड्स वैल्यू विदाउट हैविंग टू सर्च थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ अदर रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें डायरेक्ट फाइल रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये सुटेबल होता है बिकॉज हम इसमें कोई भी किसी भी फील्ड के थ्रू किसी डेटा को डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं, डायरेक्टली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। पैसेंजर मेक्स अ रिजर्वेशन, जब कोई पैसेंजर रिजर्वेशन के लिए जाता है या उसने कोई टिकट बुक कराई है, तो उसको क्या होता है डायरेक्टली उसकी टिकट बुक होगी। अब उसको ये तो सर्च नहीं करना पड़ा कि उसकी टिकट कहाँ बुक होनी है, या उसको सिक्वेंसली ही वो डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन है तो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होता है ऑप्शन के उसको सिक्वेंसल में ही टिकट मिलनी है, ठीक है, और हम उसके टिकट नंबर से डायरेक्टली उसको सर्च भी कर सकते हैं। और इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें एक की मिल जाती है जिसके थ्रू उस गिविन की के थ्रू हम उसको डायरेक्टली फाइल को क्विकली लोकेट कर सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन सपोर्ट इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन विच प्रोवाइड अप टू द मिनट इन्फॉर्मेशन इन रेस्पॉन्स टू इंक्वायरीज फ्रॉम यूजर्स। तो ये क्या है कि इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन हमें मिलती है विच प्रोवाइड अप टू द मिनट इन्फॉर्मेशन इन रेस्पॉन्स टू इंक्वायरीज फ्रॉम यूजर्स, ओके, सो दैट इफ रिक्वायर्ड एन एप्लीकेशन कैन प्रोसेस डायरेक्ट फाइल रिकॉर्ड सिक्वेंसली। ये हमें सिक्वेंसल सिस्टम में एक तरह से हमें सिक्वेंसली डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डायरेक्ट फाइल रिक्वायर्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें सॉफ्टवेयर थोड़ा सा एक्सपेंसिव चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन के सॉफ्टवेयर चाहिए। ड्यू टू एड्रेस जनरेशन ओवरहेड इन्वॉल्व दे आर लेस इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल देन सिक्वेंशियल फाइल फॉर यूज इन सिक्वेंशियल एप्लीकेशन विद हाई एक्टिविटी रेशियो। तो ये सिक्वेंशियल एप्लीकेशन में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसके लिए हमें थोड़ा सा अगर हम बात करें एक्सपेंसिव और थोड़ा सा एडवांस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स्ड सीक्वेंसल। वी आर ऑल आर फैमिलियर विद द कंसेप्ट ऑन इंडेक्स। तो इंडेक्स की बात करें तो बेसिकली जैसे कि एक बुक में इंडेक्स होता है, चैप्टर का इंडेक्स होता है, ये वाला चैप्टर इस पेज नंबर में मिलेगा, इस चैप्टर में ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, दूसरा चैप्टर इस पेज नंबर में मिलेगा, इसमें आपके ये वाले टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से इंडेक्स सीक्वेंसल, सिक्वेंसल तो होता है डेटा, साथ ही साथ हमें इंडेक्स मिल जाता है, एक तरीके से इंडेक्स मिल जाता है, उसके थ्रू हम उस चीज को सर्च कर सकते हैं। जैसे बुक में हम सर्च करते हैं इंडेक्स से कि ये वाला चैप्टर हमें ये वाला टॉपिक सर्च करना है, इस वाले पेज नंबर मिल जाएगा, हम डायरेक्टली उसी पेज नंबर को हम डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। तो वैसे ही इंडेक्स सिक्वेंसल फाइल्स में होता है, हमें एक इंडेक्स मिल जाता है जहां से हम किसी की के थ्रू उसको सर्च कर लेते हैं, वो वाला लोकेशन हम ओपन कर लेते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो हाई एक्टिविटी रेशियो कैन यूज इंडेक्स सिक्वेंसल फाइल क्वाइट इफिशियंटली एंड सिक्वेंसल प्रोसेसिंग। एप्लीकेशन विद लो एक्टिविटी रेशियो कैन ऑल्सो यूज इंडेक्स सिक्वेंसल फाइल क्वाइट इफिशियंटली फॉर डायरेक्ट एक्सेस प्रोसेसिंग। तो चाहे लो एक्टिविटी रेशियो हो तो सिक्वेंसल इंडेक्स प्रोसेसिंग चल जाएगी, या फिर हाई एक्टिविटी रेशियो हो तो डायरेक्ट इंडेक्स सिक्वेंसल फाइल चल जाएगी। लेकिन इंडेक्स सिक्वेंसल फाइल्स हमारा दोनों ही तरह के एप्लीकेशन में रन हो जाता है। They require relatively expensive. तो disadvantage तो ये है कि हमें थोड़ा सा expensive software चाहिए, expensive hardware चाहिए और high storage devices चाहिए, more storage space चाहिए index बनाने के लिए।
तो ये कंसेप्ट आपने समझ लिया, सिक्वेंशियल फाइल, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल और डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट फाइल का, ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन का एक कंसेप्ट है जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल में कवर होता है। और ये हमारे ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें एमएस वर्ड 2019 कंप्यूटर फंडामेंटल जूनियर मैथ्स और ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इसमें अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएंगे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब खबरी गोल्स स्टडी, डेली मोशन गोल्स स्टडी, इंस्टाग्राम गुलशन परवीन, फेसबुक, तो यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगती है, आपको कंप्यूटर में कंप्यूटर के किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, या आप क्या पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर में, वो सारे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।